किशोरी जी बगल में न हो तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य नहीं होगा। इसलिए अकेले ठाकुर जी की शरणागति नहीं है, साथ में राधा रानी जरूरी है, साथ में श्री जानकी जी जरूरी है, नहीं तो ये तो ठाकुर ठहरे, कब इनमें ठकरास आ जाए कोई ठिकाना है, कोई पता है? अरे नहीं तो हमारे लायक नहीं हो। पर श्री किशोरी जी बगल में हैं तो कोई जीव नालायक होता ही नहीं, सब जीव इनकी शरणागति के लायक सिद्ध हो जाते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर आया और उसने बहुत बड़ा अपराध किया, सीता जी के चरणों में ही प्रहार नहीं किया। वाल्मीकि महर्षि तो लिख रहे हैं विददारस्तनांतरे, इसने अपनी चोंच और पंजों से श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पर प्रहार किया, उससे घाव हो गया, उससे रक्त के कण प्रभु के ऊपर गिरे, तब भगवान की निद्रा भंग हुई। कितना बड़ा भारी अक्षम्य अपराध इस दुष्ट ने किया, लेकिन राम जी उठे और तनिक उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और पूछा कि ये क्या हुआ, तो किशोरी जी ने कहीं ये उसे दंड न दें क्योंकि यह भी तो मेरा पुत्र ही है, इस करुणा के कारण उन्होंने जयंत का नाम नहीं लिया। ये तो नहले पे दहला करने वाला था। राम जी ने कहा कौन, किस दुष्ट ने ये अभद्रता किए, दुस्साहस किसने किया? ये बोला काव काव। अच्छा अपराध फिर सीना जोरी। अब वहां धनुष बाण नहीं था, क्यों नहीं था धनुष बाण? धनुष बाण क्यों नहीं था? वो तो पर्णशाला में था, क्योंकि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहीं पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान रास के पूर्व श्री किशोरी जी का अपने करकमल से श्रृंगार कर रहे हैं, वहां धनुष बाण की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए धनुष बाण वहां नहीं था। अत्यंत मधुर लीला हो रही है, इसलिए धनुष बाण वहां नहीं था। पर सरकार ने दंड देना आवश्यक समझा और एक सींक ऐसे चला दिया और कहा एक तिनका, और वही सींक ब्रह्मसर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। बेचारा जयंत जहां तक उसकी गति थी पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र गया, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। ब्रह्मा जी ने भगा दिया, शंकर जी ने भगा दिया, इंद्र ने भगा दिया, सब ने भगाया उसको, भाग यहां से, हमारा लोक भी जल के भस्म हो जाए, चल भाग यहां से। राम जी का प्रभाव देखने चला था, देख लिया ना प्रभाव, राम विरोधी को कोई नहीं बचा सकता। नारद जी को तो वो चित्त में ही नहीं देता था, वो सोचता था माँ बाबा जी तो रोज आते हमारे पिताजी के दरबार में, नारद जी के प्रति उसकी कोई महत्व बुद्धि नहीं थी। लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद जी ने जयंत को देखा और उनके हृदय में दया आ गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहू कविन पर कहू न जाना, निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। नारद जी द्रवित हो गए, अरे भैया जयंत कहाँ जा रहे हो, व्याकुल। उसने कहा अरे महाराज आप क्या पूछोगे, मैं जल जाऊंगा। अरे बताओ तो सही, राम जी का प्रभाव देखने गए थे ना चित्रकूट में, प्रभाव तो देख लिया, लेकिन एक चीज देखना बाकी है, स्वभाव। प्रभाव तो यह पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, अब स्वभाव देखो कैसा स्वभाव है। कहा वे
अपनावेंगे, हमने अक्षम्य अपराध किया है। अरे तुम जाकर देखो तो सही, अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। कैसा स्वभाव है ये, गया सो जाओ बाबा, जाओ हृदय बाबा सो जाओ, ऐसे बैठो सीधे आंख खोल के। तो ये गया नारद जी की प्रेरणा से, और नारद जी ने कहा कुछ कहना मत, बस त्राहिमाम त्राहिमाम कह के चरणों में पड़ जाना, साष्टांग पड़ जाना। पक्षी स्वरूप में था ये, भय के मारे पक्षी जब गिरते हैं तो आकाश की ओर उनका मुंह होता है, उल्टे गिरते हैं। ये उल्टा गिरा, किशोरी जी बोली कि आप शरणागत के अपराध देखते हैं, आपने स्वयं घोषणा की है रामावतार में शरणागति धर्म में कि कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताहू, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। शरणागत के गुण दोष विचार नहीं करते, फिर ये शरणागत है, इसको आप क्यों अस्वीकार कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए, ये शरणागत है। राम जी बोले शरणागति आचार्य के माध्यम से होती है, गुरु के माध्यम से होती है। इसने कौन सा गुरु बनाया, किशोरी जी ने अपना नाम तो नहीं लिया, आचार्य तो स्वयं है ही हैं, पर उन्होंने कहा कि देखो नारद जी इसको मिले कि नहीं मिले, संत ही सदगुरु हैं, और नारद जी ने आपका नाम आपकी महिमा सुनाई कि नहीं सुनाई। दीक्षा में यही तो होता है, नाम सुनाया जाता, महिमा सुनाई जाती है। आपका नाम कान से ही तो सुना होगा, महिमा भी सुनी। बोले ऐसे थोड़ी होता है कि चलते चलते सुन ले तो दीक्षा हो गई। बोले नहीं, पूरा पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है। रज से मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, आपके चरणों की चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर लग गई तो तिलक हो गया। तुलसी मेरा ही अंश है, स्वरूप है, मैंने इसका कंठ पकड़ लिया तो इसका तुलसी संस्कार हो गया। मेरी उंगलियों में धनुर्वाण शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं, मैंने इसका स्पर्श कर लिया, इसकी छाप संस्कार हो गया। इसके तो सारे संस्कार हो गए, इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। राम जी बोले कि अपना तो लेंगे, तुम कह रही हो तो अपना लेंगे, पर मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा करूं, ये तो तुम्हारा अपराध है। हमारा अपराध, मेरा अपराध, ये कैसी बात आप कर रहे हो? अरे आपको पता नहीं इसने कितना भयंकर अपराध किया, आपके पयोधर को प्रहार करके क्षत विक्षत कर दिया। किशोरी जी के नेत्र भर आए, बोले आप जगत के पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पिता हैं, तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माता हूं कि नहीं, और ये मेरा पुत्र है कि नहीं, आपको पता नहीं है? कुपुत्र हो जाए तो कुछ दपि कुमाता न भवती। हे प्रभो, छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो दूध पीते पीते दांतों में खुजली चलती है, तो अपनी माँ के पयोधर को दांत से काट देता है, तो मैया इतनी नाराज नहीं होती कि बच्चे की नार मसक दे, उसका गला दबा दे, ऐसा तो नहीं करती मैया, क्या करती है? छोटे बच्चे ने, अबोध बच्चे ने दांत से काट दिया तो उसको अपराध नहीं मानती है, प्रसन्न होती है बच्चे के दांत आ गए, सी कहकर के उस कष्ट को सह लेती है, पर बच्चे पर लाड़ प्यार में कमी नहीं करती है। प्रभो, संसार की सामान्य माताओं में इतना वात्सल्य होता है,
तो मैं वात्सल्य गुण का अगाध समुद्र हूं, मेरे हृदय में जीवों के प्रति कितना वात्सल्य होगा। इसलिए आप अपराध मानो तो मानो, मैं जयंत के अपराध को अपराध नहीं मानती हूं, आपको इसे क्षमा करना ही पड़ेगा। इसको शरण में स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम जी बोले अबोध बच्चे के अपराध माफ हैं, ये अबोध नहीं है, ये तो इंद्र का बेटा है, बड़ा पराक्रमी है, बृहस्पति जी से वेदादि शास्त्र इसने पढ़े हैं। राम जी बोले आप, किशोरी जी बोली आप समझते होंगे पढ़ा लिखा है, हम तो इसको इतना नादान समझती हैं कि इस बेचारे को इतना भी पता नहीं है कि दंडवत कैसे किया जाता है, ये प्रणाम तक करना इसको नहीं आता। छोटे बच्चे हैं ना, उनसे कहो प्रणाम करो, ढोक दो, तो वो यदि उधर मुंह किए हुए हैं तो उधर ही सिर करके इधर पीठ करके प्रणाम करने लग जाएंगे, बालक तो बालक हैं। ये इतना अबोध है इसको, बेचारे को पता ही नहीं किधर से प्रणाम किया जाता, कैसे किया जाता है, चित्त पर के किया जाता कि पट पर के किया जाता है, सीधे लेट के कि उल्टे होके। हमने प्रणाम करना सिखाया कि बेटा ऐसे प्रणाम करो प्रभु के चरणों में। राम जी बोले अब तुम तो ऐसी बकालात कर रही हो, उस बकालात के आगे हम निरुत्तर हो गए, अब हम अब करना क्या है। बोले करना क्या है, इसको शरण में लेना है, इस पर कृपा करनी है। इसी बकालात का नाम है पुरस्कार। किशोरी जी जीवों की बकालात रघुनाथ जी के दरबार में करती है। राम जी ने कहा तुम्हारी बकालात के आगे तो हम निरुत्तर हैं, अब तुम जैसा कहोगी वही जजमेंट हमको करना पड़ेगा। वकील की बात जब जज भी निरुत्तर हो जाता है तो फिर वकील की बात उसको माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती। हमारे जबलपुर वाले बड़े गोभक्त पटेरिया जी वकील साहब हाई कोर्ट के वकील बैठे हैं, ये जानते हैं, न्यायाधीश को वरिष्ठ वकीलों की बात माननी पड़ती है। राम जी बोले हम मानेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक व्यवस्था तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या? हमारा बाण अमोघ है, हमने इस तिनके को, इस सींक को बाण बनाकर भेजा है, तो ये अपना काम नहीं करेगा तो ये बाण व्यर्थ हो जाएगा, तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा नष्ट हो ये कैसे, इसको तो तुम्हें बचाना पड़ेगा। जानकी जी बोली वो तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं, हमारा विषय केवल इतना है इसको मुलजिम मत मानो, इसको शरणागत भक्त मानो, इसको स्वीकार करो। राम जी वाह जी बढ़िया बात हुई, हमने अपने विषय के लिए कहा तो कही आपका विषय है, आप जाओ, आप न्यायाधीश हो, क्योंकि राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाकू बैसोई दे, आप मुजरा लेते हो, आप सबके साथ न्याय करते हो, आप करो, आपकी व्यवस्था है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसके लिए तो मेरा पक्षपात है, इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी को आचार्यों ने कहा है रामस्य गोष्ठी लघुताकता, राम जी की शरणागति की गोष्ठी को जानकी जी ने हल्की कर दिया, राम जी की करुणा भी हल्की पड़ गई जानकी जी की करुणा के आगे, ऐसी श्री किशोरी जी की करुणा है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का एक पद है, दीदी करुणा कहां बिसारी, बड़ा अद्भुत पद है, किशोरी जी की करुणा अद्भुत है, अद्भुत करुणा है। तब राम जी ने व्यवस्था बनाई, वाल्मीकि में लिखा है हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उस कौए का एक आंख, एक नैन करतजा भवानी, एक नेत्र उसने भगवान ने बाण से उसका फोड़ दिया, तो बाण किसी अंश में चरितार्थ हो गया। इस एक नेत्र फोड़ने का भाव भी है, बड़ा सुंदर भाव है, मानो किशोरी जी ने कृपा की, रघुनाथ जी ने कृपा की, तो इसको एक दृष्टि प्रदान कर दी। अब तक ये भेद देखता था, राम जी को सामान्य पुरुष समझता था, जानकी जी को सामान्य सुंदरी स्त्री समझता था, भेद भरा था इसकी दृष्टि में, अब इसको समझ में आ गया। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी दो होकर भी एक हैं, एक होकर भी दो हैं, ये एक ही हैं। ये भाव इसकी समझ में आ गया, एक नयन करता जा भगवान। इसकी भेद दृष्टि, दूसरी दृष्टि जो भेद वाली थी वो समाप्त कर दी। जानकी जी ने कहा आपने मरी व्यवस्था तो बना दी, लेकिन हमारा बेटा उसको लोग कहेंगे कनवा, काना है ये कहेंगे ना लोग, कहेंगे देखो शरण में तो लिया पर बिचारी की एक आंख तो फोड़ी दी। राम जी बोले तब ये व्यवस्था तुम बनाओ, इतना हमने किया तो थोड़ा तुम भी करो। जानकी जी ने कहा मैं कृपा करती हूँ इस पर, इसकी आंख तो एक ही रहेगी पर इतनी जल्दी जल्दी घूमेगी दोनों तरफ कि देखने वाला कोई अनुभव नहीं कर पाएगा कि ये एकाक्षी है कनवा है, सबको यही लगेगा इसकी दोनों आँख है। कौआ की एक ही आँख होती है, दो आँख कौए की नहीं होती है, पर एक ही उसका नेत्र गोलक इतने जल्दी इधर उधर घूमता है कि आप अनुभव नहीं कर सकते कौआ की एक आँख है। राम जी बोले ये जब तक पास में रहेंगी तब तक किसी दुष्ट को मारने नहीं देंगी, चाहे रावण आ जाए और चाहे कोई आ जाए, किसी दुष्ट को मारने नहीं देंगी। इसलिए जब खरदूषण त्रिसरा आए तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी तुम जानकी जी को लेके कंदरा में चले जाओ, अब हम आपसे पूछते हैं। राम जी को डर था क्या, लक्ष्मण जी कमजोर हैं क्या, और भगवती सीता परांबा जिनके उपजे ही जासु अंश गुण खानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, ऐसी श्री किशोरी जी वो क्या स्वयं शक्ति ही ना है क्या, तो कंदरा में छिप जाओ ये क्यों कहा। बोले हम मारेंगे और ये बीच में खड़ी हो जाएंगी, नहीं नहीं हमारे पुत्र हैं छोड़ दो। लो साहब लक्ष्मण जी से कह इनको छिपा के रखो, हमारी लीला हो जाए तब लाना। इसलिए राम जी ने कहा क्या कहा, तुम पावक मह करो निवासा। क्यों निवास करूं, जो लगी करो निसाचर नासा, तुम पास में रहोगी मारने दोगी नहीं। तब फिर लीला कैसे बनेगी, बोले आपका प्रतिबिंब हमारे निकट रहेगा। जानकी जी ने कहा हमारा प्रतिबिंब भी किसी को मारने नहीं देगा। हाँ ये और समझ लो, आप व्यवस्था बनाइए लेकिन हमारी छाया के सामने भी आप किसी को मार नहीं सकते। आह धन्य है लंका में किशोरी जी क्या कह रही है रावण से, वाल्मीकि रामायण का श्लोक श्रवण करने योग्य है। किशोरी जी कह रही हैं दशग्रीव रावण विदिता सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवी तुम इच्छसी। वाल्मीकि का श्लोक क्या कह रहे हैं, विदित सही धर्म अज्ञा, राम जी धर्म के रहस्य को जानते हैं, ये बात पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। शरणागत वत्सलः, वे शरणागत वत्सल हैं, उनकी शरण में तुम जाओ ये नहीं कहती जानकी, जानते बड़ा अहंकारी है मेरा बेटा, शरण शब्द से ही नाराज हो जाएगा, मैं पंडित हूं विद्वान हूं मैं क्यों शरण में जाऊं। बोले तुम शरण में तो जा नहीं सकते क्यों, तुम में दीनता है ही नहीं अहंकार है। तो तेन मैत्री भवतु ते, हमारी इच्छा है कि तुम्हारी मेरे प्रभु से मित्रता हो जाए, तुम हाथ तो मिला लो राम जी से तो तुम जीवित रह जाओगे, नहीं तो मैं भी मुझे बड़ी पीड़ा है कि तुम खानदान सहित नष्ट हो जाओ। रावण के प्रति भी उनके मन में ऐसी करुणा है, भैया आचार्य और सदगुरु इनके हृदय में जीवों के प्रति ऐसी ही करुणा होती है, ऐसी करुणा न हो तो हम लोगों का कहां ठौर ठिकाना है। करोड़ों करोड़ों जन्म की माताएं उतना वात्सल्य नहीं दे सकती हैं जितना वात्सल्य आचार्य सदगुरु जीवों को कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। संसारियों का वात्सल्य संसार में डुबाने वाला होता, संसार से उबारने वाला नहीं होता, किंतु संत सदगुरु का वात्सल्य जीव को संसार से उबारने वाला होता है। इसलिए जानकी जी आचार्या हैं,
इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जानकी की बलि जयी हो और जानकी जीवन की बलि जयी हो, क्योंकि जानकी जी की कृपा के बिना और राम जी की शरणागति होगी नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।